इनकी ऐसी की तैसी ये कर देंगे सारे, इनको क्या पता ये हम बार बार ये मत बोलिए कि माइक ये करने का आप में चूड़ियां डाल के बैठेगा क्या? हम चूड़ियां डाल के बैठेगा? हम चूड़ियां डाल के बैठे? कोई कहता खाना जग्गी करा दूं, कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी आपके चैनल के खरीब नहीं आएगी, ये बोलने का मकसद है मेरा। आप उसका धर्म की तस्वीर बनाएंगे? मैं चैलेंज करता हूँ, तू कहां है मैं तेरे पास आता हूँ। हाँ मैं चैलेंज आता हूँ, हाथ में चूड़ियां पहन के नहीं रखी मौलाना। तो इनको मेरा नंबर दे दीजिए 9810004011। आपसे करने से पहले मौलाना साहब मुझे कहें मैं कहां आ जाता हूं, मैं ऐसे बड़े काम करके देते, बड़ा देखा पंजाब में आतंकवाद भी खून की नदियां बहती देखी। शेर का बच्चा हूं, भागूंगा नहीं मैं। पैसा बस कर उनके, वैसे पसीने निकल गए, पसीना पहुंच रहे हैं। एबीपी न्यूज, आज तक, जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, तमाम लोगों को ये बात कह रहा हूं कि अगर आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा और आप जानते हैं जी न्यूज शुरुआत से ताल ठोक रहा है तबलीगी जमात के खिलाफ, मौलाना साद के खिलाफ। 31 मार्च को केस दर्ज होने के बाद से महामारी का मौलाना, इस वक्त इंडिया का कोरोना मोस्ट वांटेड मौलाना अगर किसी को कहा जाएगा, जिसने कोरोना एटम बम की फौज तैयार करी, देश में महामारी का संकट बढ़ाया, ऐसा मौलाना, वो मौलाना जिसने सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ाया, ऐसा महामारी का मौलाना, मौलाना साद, उसकी गिरफ्तारी को लेकर जी न्यूज शुरुआत से मिशन चला रहा है, एक मुहिम चला रहा है। मौलाना खादरी को आप सुन रहे हैं और मुझे बताया जा रहा है लाइव जुड़ चुके हैं मौलाना खादरी साहब इस वक्त मेरे साथ, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, विक्रम सिंह, तहसीन पूनावाला, एमएस बिट्टा साहब है, विजय शंकर तिवारी, बहुत बड़ा पैनल है, हुसैन दलवाई भी है लेकिन मेरे साथ इस वक्त। सबसे पहले कादरी साहब, माइक लेकर निकलना कैसे मुश्किल करेंगे, अगर थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डाल पाए, हम लोग नहीं निकल पाएंगे, क्या करेंगे क्या आप लोग, माइक लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे, क्या करेंगे? तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना पहले छोड़ दीजिए। मैंने आपको मशवरा दिया कि आप लोग बिला वजह के मुसलमानों पर ट्रायल मत चलाइए। जिसने गलती सर की देश में कोरोना फैला दिया, थूक थूक कर कोरोना फैला रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं टारगेट ना करें। एक तो मुसलमानों को बदनाम बंद करना करना बंद करें। एमएस बिट्टा, एमएस बिट्टा, ऐसी जाहिलाना हरकत कर रहे हैं। एमएस बिट्टा सुनिए, थोड़ा सुनिए मौलाना साहब, अब आप शांत रहिएगा, सुनिएगा, सुनने की जी सुनिए। एमएस बिट्टा है, बोलिए बिट्टा साहब। मैं एक बात कहूं, माइक लेकर निकलना मुश्किल कर देंगे हमारा। कनिका इनकी ऐसी की तैसी ये कर देंगे सारे, इनको क्या पता ये हम बार बार ये मत बोलिए कि माइक ये करने का, आप में चूड़ियां डाल के बैठेगा क्या? हम चूड़ियां डाल के बैठेगा? हम चूड़ियां डाल के बैठे? कोई कहता खाना जग्गी करा दूं, कोई भी मुस्लिम कम्युनिटी आपके चैनल के खरीब नहीं आएगी, ये बोलने का मकसद है मेरा। आप उसका धर्म की तस्वीर बनाएंगे? मैं चैलेंज करता हूं, तू कहां है मैं तेरे पास आता हूं। हां मैं चैलेंज आता हूं, हाथ में चूड़ियां पहन के नहीं रखी मौलाना। हैदराबाद आ जाओ, हैदराबाद आ जाओ, ये राष्ट्र का मुद्दा है, हैदराबाद का मुद्दा है, ये हिंदू, वो कह रहे हैं हैदराबाद आ जाओ, वो तो ईसाई का मुद्दा है, जबान को कंट्रोल में रखिए। वो हैदराबाद, आप हैदराबाद के गुंडे हैं क्या? और से कर लेना, मेरे से करने से पहले सोच लेना, जबान बंद कराइए इसके, मैं बताता हूँ इसको। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा उस समाज के लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, उठाई या नहीं उठाई, चोपड़ा साहब मैं पूछना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट मनजिंदर सिंह सिरसा के ऊपर गलत केस रजिस्टर किया गया, वो वहां पे लंगर लगा रहे थे, उन्होंने पुलिस को भी कहा हम आपका धन्यवाद करते हैं। क्या सिख समाज ने खड़ा होकर ये तो नहीं कहा कि हमारे समुदाय के प्रेसिडेंट के ऊपर केस रजिस्टर हुआ है? को जो सरकार की पॉलिसी है, आप आंध्रा में चले जाइए, राम के ऊपर रामनवमी मनाई जा रही थी, पुलिस ने बंद करा दी, क्या किसी ने सवाल उठाया? ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ये मौलाना साहब कहना क्या चाहते हैं? ये आज प्रेस को धमकी देंगे? अरे मौलाना साहब, कोई कहता है बॉम्बे के अंदर खाना जंगी हो जाएगी, याद रखना पुराने इतिहास के, औरंगजेब के इतिहास को दोहराता हूँ, गुरु महाराज के टाइम के, गुरु गोविंद सिंह जी के, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊ, 125,000 में एक लड़ाऊ, गलत फहमी में मत रहना। इस वक्त हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको बचाने का वक्त है, खाना जंगी हमने की बात करने की अपनी नमाजों को मौलाना हिंदूवाद नहीं, मौलाना हिंदूवाद नहीं, ठीक है
कैंडल लाइट ये है कि तबलीगी जमात के चले मौलाना कादरी, मौलाना कादरी लैंग्वेज इस्तेमाल, मौलाना कादरी एक तो भाषा का ज्ञान मत दीजिए, एक तो भाषा का ज्ञान आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। अभी आपने बोला हैदराबाद आ जाओ, आप हैदराबाद के गुंडे हैं क्या? आप हैदराबाद के गुंडे हैं क्या? आपने बोला हैदराबाद आ जाओ, बिट्टा साहब को आपने बोला हैदराबाद आ जाओ, आप हैदराबाद के गुंडे हैं क्या? समाज को धमकी। सुधांशु त्रिवेदी सुनिए एक मिनट, मौलाना कादरी आपने अपना आपने बोल लिया जितना बोलना था। सुधांशु त्रिवेदी आपको स्विट्जरलैंड में है तो नहीं कहेंगे ना? नहीं नहीं सुधांशु, आपकी भाषा गली के गुंडे जैसी है। मौलाना कादरी आपकी भाषा गली के गुंडे वाली है जी। एमएस बिट्टा बड़ा कोई मजहब, एमएस बिट्टा इंसानियत सब में बड़ा मजहब है जी। पहले तो चोपड़ा साहब इनको बंद कराइए। बोलिए एमएस बिट्टा। पहले तो इनको मेरा नंबर दे दीजिए 9810004011। आपसे करने से पहले मौलाना साहब मुझे कहें मैं कहां आ जाता हूं, मैं ऐसे बड़े काम करके देते। बड़ा देखा पंजाब में आतंकवाद भी, खून की नदियां बहती देखी। दूसरी बात, आज हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आज चोपड़ा जी आप हैं, मैं हूं, विक्रम जी हैं, द्रिवेदी जी हैं, पूनावाला जी हैं, या कांग्रेस के एमपी साहब, बहुत अच्छा बोले कांग्रेस के एमपी साहब, हम सब अगर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं जमाते की तरह, जगह जगह मानव बम फैलाते हैं, तो हम मानव बम हैं, हम खामोश आतंकवाद हैं। चोपड़ा जी आप भी मैं भी अगर ऐसा करता हूं, अरे ये गलती मानने को तैयार नहीं। अभी कांग्रेस के एमपी साहब ने बिल्कुल क्लियर बोला, उसमें कांग्रेस की बात नहीं की उन्होंने, उन्होंने एक इंसानियत की बात की भी, ये गलत है तो गलत है। मैं उनके बारे में कहूंगा, आपको फिर कहना चाहूंगा, कनीना कपूर लखनऊ से दिल्ली के मनजिंदर सिंह सिरसा लंगर लगाते लगाते केस रजिस्टर हो गया। क्या सिख समाज ने यह कहा कि सिखों के साथ ज्यादती हुई है? मैं मौलाना साहब को पूछना चाहता हूं, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, अरे मीडिया है, सब मीडिया को हिंदुस्तान में गलत कह रहे होगे। मीडिया तो धमकी देने से पहले मौलाना साहब नंबर दे दिया चोपड़ा साहब को, ले लेना मुझे बता दे। शेर का बच्चा हूँ, भागूंगा नहीं मैं, पर इस वक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बचाने की, जो कल का दिन देखा हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान कैंडल लेके निकले, कैंडल, कोई मुसलमान ऐसा नहीं था जो नहीं निकला। तस्वीर मीडिया के सामने है, आप चंद लोग जैसे पंजाब की तरह चंद आतंकवादियों ने पूरी सिख कौम को बदनाम कर दिया था, हम खड़े हुए थे, हमें कहते थे कौम का गद्दार। मैंने कहा कहो मानवता की रक्षा पहले है, अभी कांग्रेस के एमपी साहब ने क्या कहा? बस करिए बिट्टा साहब, उनके पसीने निकल गए, तो आपको कहने में कोई दिक्कत है? बिट्टा साहब बस करिए, उनके वैसे पसीने निकल गए, पसीना पहुंच रहे हैं। बिट्टा साहब बस करिए, मीडिया को धमकी देने की कोशिश मत। नहीं कहां धमकी सर, वो कागजी कह रहे हैं, उनके वैसे पसीने निकल गए हैं। बस करिए बिट्टा साहब, वो पसीना पहुंच रहे हैं अपना। मौलाना साहब, मौलाना कादरी ठीक है ना? मौलाना कादरी ठीक है ना? देने का वक्त नहीं मौलाना साहब। मौलाना कादरी ठीक है ना? अभी तो डिबेट में ही घबरा गए आप। कुछ कहूंगा तो आप बोलेंगे पसीने 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 मत पूछिए, पानी वानी पी लीजिए साहब, हम घबरा। तो बिट्टा साहब को अपने डिबेट में सुना तो आप लोग के पसीने निकल गए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से अब तक 523 मामले, 303 मरीज मरकज से जुड़े हैं। ये लोग टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हैं? ये लोग क्यों छिप रहे हैं, भाग रहे हैं?